हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस नाउ वेरी इंपॉटेंटली वेल द इंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन फोकसिंग ऑन एंड बहुत ही ज्यादा जाद, चर्चा होती रही है ऑलमोस्ट पूरा ही फेब विद रिगार्ड टू रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस अनदर क्राइसिस ऑफ सॉट्स हैज़ बीन ब्रूइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल विच इज़ इन दरियन पेनेंसुला अब क्या हो रहा है ये करियन पेनेंसुला में बेसिकली नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर डिज़ाइंस प्रोग्राम्स एंड एस्परेशन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं देयर बाय थ्रेटनिंग द कंट्रीज इस्पेली ऐसी कंट्रीज जो कि यू एस की भी अलाइज हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया ठीक है अब क्या क्राइसिस है ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्या वे आउट होना चाहिए कौन से थियोरेटिकल चीज़ों से हम इनको लिंक कर सकते हैं इज़ समथिंग दैट वी विल भी फोकसिंग बिफोर मूविंग हेड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इनटेक ऑफ द पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का बैच दैट हैज स्टार्टेड एंड हमारे पास तीन तरह के कोर्सेज हैं नाउ डिजाइन टू सूट द नीड्स ऑफ द वेरियस स्टूडेंट्स ठीक है तो अगर आप एक बिगिनर है एंड पूरा ही शुरुआत से अपना ऑप्शनल कर रहे हैं जहाँ पे यू आल्सो नीड ऑप्शनल कवरेज के साथ साथ अ डायरेक्शन के आप अपना ऑप्शनल ढंग से कवर कर रहे हैं सो एस टू परफॉर्म वेल इन मीन्स तो द कम्प्लीट मैंटरशिप कोर्सिस फॉर यू वहीं पे अगर आपका मेन फोकस है ऑन कंप्लीटिंग कंटेंट राइट अगर आप सेकेंड या थर्ड बार दे रहे हैं और आप कंटेंट एनरिचमेंट करना चाहते हैं और स्कॉलरली व्यूज़ ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा थियोरेटिकल डायमेंशनज ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा सिलेबस कवरेज जो है उसको इंक्लूड करना चाहते हैं द कंप्लीट

यू ठीक है अब अगर हम मेंटरशिप के कोर्स मेंटरशिप कोर्स की बात करें जो कि सबसे होलिस्टिक कोर्स है जिसके अंदर हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे राइट विच कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस सो क्लोज टू 200 हंड्रेड आर्स का जो है ये पूरा मॉड्यूल है जो कि आपको मिल जाएगा साथ में शेड्यूल मिल जाएगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ दीज लेक्चर्स इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर देन दे विल बी टॉपिक वाइज स्टेस राइट right? जिनके साथ आपको मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे राइट देन हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर एवरी सेक्शन ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू हैव हाफ द बाई सिलेबस कंप्लीशन तो चार हाफ लेंथ टेस्ट है एंड दो फुल टेस्ट है जिनके साथ भी मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे उसके अलावा यू हैव द मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स कमिंग सो एवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं अराउंड फाइव टू सिक्स आवर्स में ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं कौन से स्टैटिक थियोरेटिकल चीज़ों के साथ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं सेक्शन वाइज डिवाइडेड आपको मिल जाएंगे ताकि आप डायनामिक चीज़ों के साथ भी कोप आप कर सकें साथ ही में यू विल हैव आंसर इवेल्यूएशन एज वेल एज डिटेल्ड फीडबैक फॉर योर टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज योर हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ डेस्ट जो कि आप थ्रू आउट द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स कभी भी ये आंसर्स लिख के हमें भेज सकते हैं देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू विल हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एंड डैशबोर्ड फॉर रेगुलर डाउट रेजोल्यूशंस साथ ही में पर्सनल मेंटरशिप अब आपको मिलेगी सो वन ऑन वन मेंटरशिप बाय टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ बाय टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स अब आपके पास अवेलेबल होंगी हमारे इस मेंटरशिप कोर्स में एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्लीट पीडीएफ डी से नोट्स मिलेंगे आपको हर वीडियो लेक्चर के साथ ट्वेंटी वन थाउजेंड पे प्राइसड है ये कोर्स साथ ही में रुपीज़ वन थाउजेंड का डिस्काउंट है जो कि आपको मिल रहा है टिल ट्वेंटी एथ फेब राइट इसके बाद जो हमारा पी एस आई का कम्प्लीट कंटेंट कोर्स है इसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध एक्सेप्ट टू थिंग्स दैट इज़ इवेल्यूएशन एंड फीडबैक नहीं होगी साथ ही साथ में वन ऑन वन जो मेंटरशिप कॉल्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है ऑन हैंड जो हमारा पी का कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स है इसके अंदर आपको जो मंथली लेक्चर्स हैं ऑफ़ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल उसके लेक्चर्स मिलेंगे साथ ही में यू विल हैव द डैशबोर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म अवेलेबल अगर आपको इन करंट अफेयर्स इन लेक्चर्स इन इंटरलिंकेजेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है आप डैशबोर्ड पे पूछ सकते हैं साथ ही में कंप्लीट पी एंड नोट्स मिलेंगे विद लेक्चर्स एंड साथ ही में इन तीनों ही कोर्सेज के साथ आपको इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की समरीज फॉर पी एस आई आर भी प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है योर कंप्लीट कंटेंट कोर्स इज़ फॉर रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड इस पे भी हज़ार रुपए का डिस्काउंट चल रहा है टिल ट्वेंटी एट फेब, एंड योर कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स इज़ ओनली फॉर रुपीज़ सिक्स थाउजेंड तो इसका ओरिजिनल प्राइस सेवन थाउजेंड है बट इसको हम एक डिस्काउंटेड ऑफर सिक्स थाउजेंड पे जो है आपको दे रहे हैं टिल द एंड ऑफ मार्च ठीक है तो ये जो है आपके तीन कोर्सेज हैं डिज़ाइंड एज़ पर योर नीड जो कि आप फुलफिल कर सकते हैं इन तीनों को परचेज करके परचेज करने के लिए आप एटीन हंड्रेड एट नाइन्टी थ्री जीरो फोर थ्री पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम को राइट तो चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ ना न्यूक्लियर डिलेमा जो है कोरियन पेनेंसिला में हैज़ बीन ऑन दी राइज सिंस नॉर्थ कोरिया के अंदर जो एक है पर्टिक्यूलरली द सारिंग ऑफ रिलेशनशिप विद यूएसए दैट हैज बीन ऑन द हाइटेंड लेवल तो ट्रंप जो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प थे यूएसए के पहले उन्होंने एक बहुत ही ग्रैंड बार्गेन वाली अप्रोच अडॉप्ट की थी नॉर्थ कोरिया के साथ जहां पे उन्होंने कॉन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की विच वो सीन वाया द सिंगापुर कॉन्फ्रेंस हाउएवर 2019 नाइनटीन ऑनवर्स देर हैज़ बीन अ रिवर्सल इन दिस रिलेशनशिप जिसके कारण द न्यूक्लियर डिज़ाइन जो कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को और शक्तिशाली दिखाने के लिए बताना चाहता हैज़ बीन अप ऑन द राइस अब क्या है ये डिलेमा इसको समझना चाहिए फेब्री 2022 में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट की गई बाय द टू तो द यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल तो एक इंडिपेंडेंट सैंक्शंस मॉनिटर कमिटी जो है उन्होंने यूएनएससी को ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा वारिंग चीज़ें अब क्या थी ये वारिंग एस्पेक्ट्स सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि नॉर्थ कोरिया अभी भी बिल्ड कर रहा है और और ज़्यादा होन कर रहा है उनकी जो न्यूक्लियर एंड बिलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के वेरियस प्लांट्स हैं उनकी जो बिलिस्टिक मिसाइल्स हैं पर्टिकुलरली जो इनकी आई हैं उनके अंदर नई डेवलपमेंट होती जा रही है एंड नई नई तरह की मिसाइल्स ये टेस्ट कर रहे हैं साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज सो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि होप किया गया था कि थ्रू वेरी सैंक्शंस कर्व कर दी जाएंगी इतनी डेवलपमेंट्स नहीं होंगी अब नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन एबल टू मेक सम डेवलपमेंट्स इन दीज रिगार्ड एज वेल एंड अ वेरी वेरी वारिंग डेवलपमेंट इज बीन पॉसिबल हाइपरसोनिक गाइडिंग वॉर हेड एंड मिनवरेबल री एंट्री वहीकल इसका मतलब क्या है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं राइट मिसाइल्स जिनमें एक हाइपरसोनिक वॉर हेड लगा होगा वो अब ये डेवलप कर रहे हैं साथ ही साथ में इनके पास री एंट्री वहीकल भी है मतलब जो मिसाइल्स हैं जो कि फेंकी जा रही हैं अगर उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है तो मल्टीपल मिसाइल्स फेंकी जा सकती हैं ताकि ये एंटर कर पाए इवन इन केस ऑफ सर्टेन प्रोटेक्शन बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल कंट्रीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो मेजर कंसर्न इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया इज द इंक्रीज कैपेबिलिटीज फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग न्यूक्लियर प्रावेस इज आल्सो कि आप कितने रैपिड हैं एंड साथ ही साथ में आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है इसको मल्टीपल तरीकों से और मल्टीपल जगहों से लॉन्च करने की ऑल ऑफ विच नाउ नॉर्थ नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन एबल टू डेवलप तो रैपिडली डिप्लॉय कर सकते हैं अब ये क्योंकि इनके पास अब प्रॉपर लॉन्च बेसिस रेडी है एंड साथ ही में इनकी मोबिलिटी भी बढ़ गई है वाई बिकॉज इन्होंने सी केपेबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो भी डेवलप कर लिए हैं एंड साथ ही में इनकी रिसिलियंस भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ पॉसिबल री एंट्री तो नॉर्थ कोरिया जैसा एक जो रोग स्टेट है राइट right? रोग स्टेट जो है अगर वो इतनी खतरनाक कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहा है इट्स स्पेल्स डूम फॉर पीस नॉट जस्ट द कोरियन पेनेंसिला और नॉट जस्ट द एशियन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पर द इंटायर वर्ल्ड एज वेल ठीक है अब सबसे पहले बहुत ही एक छोटा बैकग्राउंड की हमें जरूरत पड़ती है विच इज नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर टाइम लाइन ना वन थिंग दैट वी आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ इज देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी कॉल द न्यूक्लियर एन पी टी है ना ये जो आपकी एन थी 1967 के अंदर जो है इसको डिज़ाइन किया गया एंड 1968 में जो है ये फोर्स में आ गई थी जिसके थ्रू इन्होंने रोक दिया दैट ऑल दो स्टेट्स जिनके फर्स्ट जैन 1967 तक न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके थे टेस्ट हो चुके थे सिर्फ वो लेजेंडरी न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग कंट्रीज है एंड इनके बाद कोई भी स्टेट को अलाउ नहीं किया जाएगा टू टेस्ट और डेवलप सच न्यूक्लियर वेपन्स। राइट तो 1968 के अंदर अगर ये होल्ट लग गई थी किस तरह से चलाया जा रहा है नॉर्थ कोरिया का प्रोग्राम नाउ वन थिंग दैट वी हैव टू नो इस नॉर्थ कोरिया में के इन सिनिस्टर प्लान्स में एक बहुत बड़ी हेल्प कहां से मिली थी पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के जो पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे साइंटिस्ट थे ए क्यू खान उन्होंने ही ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स एंड नो हाउ क्लैंडस्टाइनली पास ऑन किए थे नॉर्थ कोरिया को भी ठीक है अब फटाफट से टाइमलाइन देखते हैं ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि नॉर्थ कोरिया का शुरू किया गया ना सबसे पहले 1992 में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया डिवाइड किए गए थे राइट आफ्टर द कोरियन वॉर तो जो थर्टी एथ है जो कि आपका लैटिट्यूड है उसके अलोंग डिवाइड किए गए हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया तो इन दोनों के बीच में अर्ली 90s में 92 में ट्रीटी हो गई जहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि कोरियन पेनसिला को हम एक न्यूक्लियर फ्री जोन रखेंगे एंड दोनों ही कंट्रीज़ ना ही टेस्ट ना ही स्टोर ना ही पेजेज ना ही यूज़ ना ही डिप्लॉय करेंगी न्यूक्लियर वेपन्स को साथ ही में इसी ट्रीटी के आ, Uh, के थ्रू uh, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स थे उनके ऊपर भी लिमिट लगा दिया गया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे एंड इतनी लेवल ऑफ एनरिचमेंट नहीं करेंगे कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो सके हाउेवर इसी नाइन्टीज़ के दौरान ए खान का जो ट्रांसमिटिंग ऑफ दिस न्यूक्लियर नो हाउ था टू नॉर्थ कोरिया वो भी शुरू होने वाला था 1994 में अब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया नॉर्थ कोरिया के ऊपर अब बहुत सारे सैक्शन लग चुके थे बिकॉज नॉर्थ कोरिया हैड बीन सपोर्टेड इन द वॉर इन द कोरियन वॉर बाय होम बाय यूएसएसआर तो जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक था लेड बाय यूएसए इन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो नॉर्थ कोरिया ने एक अग्रीमेंट फ्रेमवर्क साइन कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ये प्रॉमिस करते हुए कि हमने जो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन करने का सोचा था वी विल बी पुटिंग अ फ्रीज ऑन इट वी विल नॉट प्रोग्रेस विद इट एंड इन एक्सचेंज यूएसए जो है रिलीफ एड पर्टिकुलरली ऑयल जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नॉर्थ कोरिया की वो इनको ट्रांसमिट करेगा और साथ ही साथ में लाइट वाटर रिएक्टर्स दैट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पेज के लिए जो रिएक्टर्स रिक्वायर्ड है उनको डेवलप करने में भी एड प्रोवाइड करेगा 90s में पर्टिकुलरली 1998 की अब बात है जहां पर देर बीन अ लेटर बाय नॉर्थ कोरिया जिसके थ्रू ए क्यू खान को ऑलमोस्ट थ्री मिलियन डॉलर्स की पेमेंट आई थी तो इस दौरान नॉर्थ कोरिया का एक जो प्रॉमिस था विद यूएसए एज वेल एज साउथ कोरिया इट वेंट बैक ऑन इट एंड इन्होंने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लिया, जिसकी जिसकी बात चर्चा शुरू हो जाती है जो कि आगे चल के नाइन इलेवन के इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा शार्पन हो जाता है अंडर द बुश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए राइट right? तो ये एक्सेज ऑफ ई विल क्या बनाया गया बेसिकली तीन रो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे थे एंड जिनके थ्रू थ्रू थ्रेटन हो सकती थी ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी और ये एक्सेस ऑफ ईवल के अंदर कौन कौन सी टीम थी ये थी नॉर्थ कोरिया ईरान एंड इराक जिनको हाईलाइट किया बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने Now 2003 onwards, what happens is 2003 में नॉर्थ कोरिया makes its intentions very very clear एंड जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी ये 1968 की ट्रीटी जिसको साइन किया था नॉर्थ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पुल्स आउट ऑफ दिस एनपीटी ट्रीटी तो 2003 में आफ्टर द पुल आउट ऑफ द ट्रीटी इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि नॉर्थ कोरिया अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और वेपनाइजेशन को डिजाइन करने में सक्सेसफुल हो गया है इनफैक्ट आफ्टर थ्री शॉर्ट इयर्स ही इसका प्रूफ मिल जाता है इन 2006 व्हेन नॉर्थ कोरिया टेस्ट सेवन शॉर्ट डिस्टेंस मीडियम डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस बिलिस्टिक मिसाइल्स राइट सो साउथ कोरिया को हर्ट करने की जापान को हर्ट करने की इनकी कैपेबिलिटीज बन जाती है इन रिटेलिएशन वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन होता है यू द्वारा बहुत सारी और कंट्रीज़ द्वारा एंड साथ ही साथ में यू की सिक्योरिटी काउंसिल इनके ऊपर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेंक्शंस भी लगा देती है ऑन दी अदर हैंड इन 2009, थाउजेंड एंड एफर्ट पर्टिकुलरली अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं कि हमने इराक वॉर के थ्रू अफगानिस्तान वॉर के थ्रू ना ऑल ऑफ हैड ऑलरेडी दिन यू एस एस ऑलरेडी थिन स्प्रेड तो इन वॉर्स के थ्रू ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आ गया था दैट देर इज ओनली सो मच दैट वायलेंस कैन प्रोवाइड सो वी हैव टू फॉलो अरेट एंड स्टिक पॉलिसी एंड दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है थोड़े थोड़े इंसेंटिव भी देते जाओ तो पॉजिटिव मोटिवेशन बट साथ ही साथ में एक स्टिक भी साथ में रखो ताकि उनको ये डर भी रहे दैट इन केस आई वॉन्डर ऑफ द पाथ दैट आई एम सपोज टू फॉलो दिस आदर कंट्री इज रेडी टू टीच मी अ लेसन एज well, the obama administration, like a policy of strategic patience, wherein they say that let's try to talk to them. let's try to adopt the policy of diplomacy. let's try to adopt the policy of pragmatism as well as negotiation. now, here the pragmatism was led by open talks, right, trying to follow the carrot and stick policy into inducing north korea to give up its nuclear. प्रोग्राम ठीक है हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स पर्टिकुलरली जो आपके बहुत ही हॉक रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ स्कॉलर्स होते हैं जो कि मानते हैं कि सेल्फ हेल्प में मिलिट्री प्लेज अ कोर रोल उनका मानना था दैट रादर देन बीइंग स्ट्रैटेजिक पेशेंस दिस वाज जस्ट स्ट्रैटेजिक पैसिबिलिटी वेर इन यूएस बहुत ही एक पैसिव रोल प्ले करना कर रहा था और एक्टिवली नहीं कर रहा था इनटू कर्बिंग नॉर्थ कोरिया इनटू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर 2017 के अंदर अब डेवलपमेंट आती है जो कि मानी जा सकती है एक फ्रूट ऑफ बोथ द स्ट्रैटेजिक पेशेंस एंड लेटर ऑन फॉलो किया गया जो कि ग्रैंड बारगेन की एक स्ट्रैटेजी थी बाय इवन प्रेसिडेंट jump ग्रैंड बारेन क्या था वो कहते हैं हम बारगेन कर रहे हैं दैट इन रिटर्न टू यूएस लिफ्टिंग सम प्रोवाइडिंग सर्टेन रिलीफ प्रोवाइडिंग सर्टेन इकोनॉमिक सपोर्ट टू नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बंद कर देगा उसको उसके ऊपर जो है रोक डाल देगा साथ ही साथ में बेटर रिलेशनशिप विथ साउथ कोरिया को इंस्यू करने की कोशिश भी करेगा एट डिप्लोमैटिक लेवल इसके चलते हुए ट्वेंटी में वॉट हैपेन्स

तो 2019 तक बहुत कोशिश की गई थी इवन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बट गिवन द फ्लिप फ्लॉपिंग जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा करते थे कभी ही वांट्स टू मेक अ ग्रैंड बाग कभी वांट्स टू शो द माइट ऑफ यूएसए कभी कभी ही वांट्स टू गो बैक टू हार्ड को रियलिज्म ऑफ यू एस बिलीव्स इन इकोनॉमिक सेंशन एंड मिलिट्री इंटरवेंशन तो इसके चलते हुए द सिंगापुर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एंड टॉक्स चल रही थी दे कम टू अ कंप्लीट ब्रेक उनका कोई फायदा नहीं होता है एंड हॉस्टिलिटीज एंड कोल्ड टेंशन रिज्यूम्स बिटवीन यूएसए एंड आपका नॉर्थ कोरिया एंड ऑब्वियसली कौन बेचारा फंसता है इसके बीच में जो यूएसए की अलाइज हैं एशिया में पर्टिकुलरली आपका साउथ कोरिया एज वेल एज आपका जापान, ठीक है इसी के चलते हुए अब इन कंट्रीज के अंदर डर आ जाता है कि ये जो 2017 का सेल्फ इम्पोज मॉरेटेरियम था कहीं नॉर्थ कोरिया डज नॉट रिमूव दिस मॉरेटेरियम एंड गो बैक ऑन डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अगेन ठीक है नाउ व्हाट हैज बीन डन नाउ थ्रू आउट दिस टाइम हम बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली यूएसए जो है इन्वॉल्व था यू एन एस सी कुछ स्टेप्स ले रहा था तो क्या क्या मेजर्स लिए गए थे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में टेंशन रिजोल्व करने के लिए बिकॉज आखिरकार द प्राइमरी रीजन फॉर द परायाशन ऑफ नॉर्थ कोरिया उनको एक न्यूक्लियर पराया भी माना जाता है बिकॉज उन्होंने गलत तरीके से अपना जो है डेवलप किया है साथ ही साथ में इन ऑल ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सैंक्शन एंड द काइंड ऑफ उनके ऊपर जो रोक टोक लगाई गई है तो एक ओटार्की भी बन के रह गए हैं जो आपका नॉर्थ कोरिया है जहां पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनके साथ ज्यादा डील्स नहीं करती है एक्सेप्ट अ कपल राइट वो भी बैक चैनल तरीके से छुपा के विच इज योर चाइना एंड इन सर्टन इंस्टेंसेस रशिया एज वेल ना व्हाट वर द मेजर्स ड्यूरिंग दिस टाइम जो कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में टेंशन घटाने के लिए लिए गए थे ट्वेंटी एटीन के अंदर ही तीन सबमिट्स हुए बिटवीन द नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन एंड साथ ही साथ में आपके प्रेसिडेंट मून ऑफ साउथ कोरिया न 2018 में 11 सालों बाद पहली बार एक फिजिकल समिट होता है बिटवीन द टू लीडर्स जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में एक जो जॉइंट सिक्योरिटी एरिया है विच इज बेसिकली योर न्यूट्रल जोन एक वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज है विच इज योर पान मुन जॉम विज राइट ये जॉइंट सिक्योरिटी एरिया में है न्यूट्रल एरिया है तो मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की मिलिटराइजेशन नहीं है किसी भी तरह की वायलेंस नहीं है तो यहाँ पे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया था बेसिकली टू इनकरेज एनी काइंड ऑफ टॉक्स एंड मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कोरियन कंट्रीज तो दोनों ही कोरियन लीडर्स यहाँ पर इस विलेज में मिले राइट right? पर्टिकुलरली इस विलेज का जो साउथ कोरियन हेल्ड एरिया है राइट तो साउथ कोरिया का जो न्यूट्रल जोन है वहां पे ये मिले एंड दोनों ने ही प्लेज किया प्रॉमिस किया कि एक आर्मिस्टीज होगी जिसके थ्रू जितने भी हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा एंड एक फॉर्मल पीस ट्रीटी बना दी जाएगी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया साथ ही साथ में इन्होंने रियटेरेट किया द ड्रीम ऑफ अ न्यूक्लियर फ्री कोरियन पेनेंसिला भी नॉर्दन पे जो एरिया है वहां पे एक मीटिंग हुई बिटवीन दूर लीडर्स एंड यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंडा क्या था बीच में 2018 में अगेन एक स्टॉपेज आ गया था बिटवीन यूएस एंड नॉर्थ कोरिया की टॉक्स तो उनको रिज्यूम करने के लिए एंड मेक द सिंगापुर टॉक्स पॉसिबल उसको इंकरेज करने के लिए ये मीटिंग हुई थी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरियन लीडर्स साथ ही साथ में यूएस समिट को तो वापस लाना ही चाहते थे ऑन ऑन ट्रैक डी न्यूक्लियराइजेशन की टॉक्स पे भी और बातचीत की गई टू इंश्योर के इस पेनेंसिला के अंदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं किए जाते थर्ड समिट वॉज हेल्ड इन प्योंग वेरी साउथ के जो प्रेसिडेंट मून थे he to the North Korean capital, और पे पे एक joint declaration very importantly signed की गई, किए गए कि किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच की जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली अलोंग विद रिडक्शन ऑफ टेंशन हम कहते हैं कि सॉफ्ट एंड पीपल टू पीपल रिलेशन जो है उनको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो इसी के लिए ये जो इंटर कोरियन एक्सचेंजेस थे इनका क्या मानना था ट्रैक वन से अभी तक सिर्फ ट्रैक वन डिप्लोमेसी चलती आई है विच इज़ बिटवीन ऑफिशियल्स एंड लीडर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ साउथ कोरिया अब ज़रूरत है कि हम ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री के ऊपर भी जो है चले विच अदर सेक्टर्स ऑफ द कोरियन सोसाइटीज़ एज़ वेल सो बिजनेस लीडर्स हो गए एन हो गए सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो गई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो गए इन सब के भी जो है इंटरक्शन हमें बढ़ाने चाहिए बिकॉज इनके थ्रू हमारी टेंशनस भी रिड्यूस हों

फॉलोइंग द ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी इकोनमिक कोऑपरेशन एंड इकोनमिक जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी काम करने का एक फैसला किया राइट right? तो दिस फॉलोज द ऑब्वियस एक थियोरेटिकल प्रमाइज जिसकी हम बात करते हैं विच इज़ योर आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस राइट अब इसी चीज़ की चर्चा बहुत बार इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में भी होती है कि इकोनॉमिक रिलेशंस इतने ज़्यादा इंटरट्वाइन हो गए हैं दैट एन ऑल आउट वॉर और अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप्स देफो बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ द टाइम ऑफ द आवर द नीड ऑफ़ द आवर तो इसी तरह से जैसे कि ई के अंदर ई यू में ना वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले यूरोप में फ्रांस एंड जर्मनी की बिल्कुल नहीं बनती थी तो फ्रांस एंड जर्मनी एंड रेस्ट ऑफ तो द यूरोप के अंदर रिलेशनशिप इग्नाइट करने के लिए जो कि आज की एज में ईयू बन गया है द इनिशियल स्टेप्स बाय इकोनॉमिक मेजर्स व्हिच इवेंचुअली लेड टू पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट एज वेल तो कोरिया के अंदर भी यही कोशिश करने की uh, करने, करने की शुरुआत की जा रही थी राइट हाउएवर व्हाट हैपेंस इज के ये जो प्रोमिस थे आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द टॉक्स विद यूएसए नॉर्थ कोरिया गोज बैक ऑन ऑल दीज जो कि उन्होंने इन तीन समिट्स के अंदर किए थे अब एज ऑफ मार्च 2019 नॉर्थ कोरिया की अगर हम वेरियस साइट्स देखें तो नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैक करने के लिए वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स कर ली हैं इंक्लूडिंग हैविंग अ यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी एक न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी दो चूकी आपकी दो थी जो कि उन्होंने बोला था कि हम बंद कर देंगे बट उन्होंने नहीं की। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स भी है जो कि वो एनरिचमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और से ये करते हैं missiles, टेस्ट करने के लिए भी एंड फॉर अटैकिंग उसके अलावा देर इज ऑल्सो हाई एक्सप्लोजिव टेस्ट साइट जहां पे शायद हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक्सेट्रा भी टेस्ट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इवन सेफ

वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑनवर्ड ये जो टेंशन है और भी बढ़ते चले गए इनफैक्ट देर आर नंबर ऑफ मिसाइल जो कि अभी नॉर्थ कोरिया के पास है इंक्लूडिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉ सोंग वॉसोंग जिसकी तेरह हजार किलोमीटर की हिट करने की अबिलिटी है इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिलिस्टिक मिसाइल लीडिंग टू टेंशन अमंगस्ट वेरियस कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया ठीक है

बीच में बातचीत जो है इंकरेज कर रहे थे तो अब एक मिडिल अप्रोच फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे अगेन जो एंड स्टिक पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए ताकि ए कंप्लीट डी भी इंश्योर की जाए बट साथ ही साथ में नॉर्थ कोरिया को कुछ इंसेंटिवस भी दिए जाए ताकि ये जो डी है और ये कामिंग ऑफ न्यूक्लियर टेंशन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए इनफैक्ट इसी के चलते हुए प्रेजिडेंट बाइडन का भी यही कहना था नाउ गिविन वट इज हैपन इन अफगानिस्तान एक पूरी ही वर्ल्ड व्यू इमेज जो है ज बीन हिट फर्द मोर जैसे जैसे यूक्रेन के अंदर क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं बाइडन क्लियर से के अंदर एटलीस्ट्रूप नहीं भेजेगा अभी तक जो किया हुआ है ठीक है अब ट्रूप नहीं भेजेंगे मतलब कि नेटो का हिस्सा नहीं है यूक्रेन तो इसीलिए ऑब्वियसली वी विल फॉलो एवरी अदर रूट इंक्लूडिंग कॉन्डेमनेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सेंक्शन बट यूएस अपने ट्रूप्स भेजेगा कि नहीं इस

वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ और सजेशन भी आए हैं जिसके कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी उनको चिंता हो गई वाई बिकॉज नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की सेवन और मिसाइल इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू जहां पर एक इंडिकेशन मिल गया कि यह जो सेल्फ इंपोज मोरिटेरियम था ट्वेंटी वाला दैट इज एज गुड एज हैविंग गॉड तो लॉन्ग रेंज बिलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट की गई न्यूक्लियर वेपन जो है टेस्ट की गई जिसके कारण नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अडिशनल सैक्शन को जो है सपोर्ट किया अलोंग विद यूएसए हाउवर वॉट है पी फाइव में दो पार्टनर्स जो हैं आर ऑल्सो फ्रेंड्स विद नॉर्थ कोरिया तीन सैंक्शन ब्लॉक्ड बाई चाइना एंड रशिया तो यूएनएससी के अंदर भी नॉर्थ कोरिया को लेके देर इज अ रोड ब्लॉक दैट इज इनकाउंटर्ड बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ चाइना एंड रशिया देर इज ऑल्सो द वैर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स रेलवे डेवलपमेंट रैपिड डिप्लॉयमेंट ये सब इनके पास है ना वेरी इंपॉर्टेंटली पुलकित मोहन हु इज अ स्कॉलर विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से फैब की जो यू की रिपोर्ट थी इसने अंडरलाइन किया कि नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको अब फंडिंग कैसे मिल रही है राइट right, इतने इकोनॉमिक सैंक्शन इतने ट्रेड सैंक्शंस यूएसए ने लगा दिए पूरे वर्ल्ड ने लगा दिए आपके यूएन ने लगा दिए कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प नहीं कर रही है न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टेक अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपर्टीज तो ये पैसा आ कहां से रहा है नॉर्थ कोरिया के पास पुलकित मोहन हंडरलाइन करते हैं कि यहाँ पे जो फंडिंग आ रही है हैज़ बीन वाया क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे ओवर 50 मिलियन डॉलर्स जो है इकट्ठे कर लिए हैं नॉर्थ कोरिया ने और किसके थ्रू वाया साइबर अटैक्स सो साइबर अटैक्स अक्रॉस यूरोप अक्रॉस एशिया अक्रॉस यूरोप जिसके थ्रू चोरी करके क्रिप्टो करेंसी ये फंड कर रहे हैं अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो यहां क्रिप्टो करेंसी है वर्चुअल इनकी जो डार्क बेली है वो भी एक्सपोज हो जाती है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट के बहुत ही ज्यादा एक और जो चीज जरूरी है जाननी हैज बीन चाइनाज रिस्पॉन्स अब चाइना क्या बोलता है चाइना बोलता है एम्सो सुपर पावर मैं भी जो हूं इतनी बड़ी टेबल पे बैठा हूं परमानेंट मेंबर हूं तो आप मुझे भी सीरियसली ट्रीट कीजिए तो चाइना इफ इट वांट्स टू बी अ सुपर पावर एंड वांट्स टू हैव अ स्टेक इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स और ज्यादा उनको बढ़ाना चाहता है तो चाइना का रिस्पॉन्स रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्राइसिस आर वी ओनली लुकिंग टू 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 बी एबल कंट्रोल इट अब शशांक मट्टू कहते हैं कि चाइना एक मेजर पावर है जो कि मेजर स्वे होल्ड करता है विद नॉर्थ कोरिया तो एक जो ऑल वेस्ट फ्रेंड ऑलमोस्ट रहा है नॉर्थ कोरिया का हैज़ बीन चाइना इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें अ लॉट ऑफ सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना से ही मिलता है तो ये जो एक टिगड़ी बन गई है एक नया फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ ईवल ऑलमोस्ट जो बनता जा रहा है एशिया में पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया एंड चाइना की सपोर्ट से दैट कैन बी एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक हावी यही देखा जा रहा है दैट चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी एंथुजियास्टिक चाइना हमेशा ही बहुत हेजिटेंट रहेगा इन एंगेजिंग विद द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो उनको रोकने नहीं वाले हैं वाई बिकॉज क्यों रोके उनके लिए तो ये बढ़िया ही है बिकॉज आई चाइना है इट इज इंगेज विथ यूएसए पर्टिकुलरली इन द इंडो पसिफिक इन अ मेजर पावर बैटल तो एज ग्रुपिंग लाइक ऑकस आर एम्पावरिंग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया थ्रू विद न्यूक्लियर केपेबिलिटीज नॉर्थ कोरिया तो एक डार्क हॉर्स बन के रहेगा चाइना का कि अगर इंडो पैसिफिक के अंदर ज्यादा ट्रेवल्स होते हैं नॉर्थ कोरिया कैन बी यूज एज अ पॉन बाय चाइना राइट तो आपका जो एक ऑफेंसिव रियलिज्म की अगर हम बात करें तो आपका नॉर्थ कोरिया तो ऑफेंसिव रियलिज्म में पूरा बढ़िया बैठता है वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं क्यों वो कहते हैं हम तो थ्रेटन महसूस करते हैं हमारे लिए एशिया में भी एक सिक्योरिटी डिलिमा एग्जिस्ट करता है विद रिगार्ड टू द अलायंस जो कि साउथ कोरिया यूएसए एंड जापान के बीच में है तो इस साउथ कोरिया इस यू uh, नो you know, पूरी अलायंस से इस सिक्योरिटी डिलेमा से बचने के लिए हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करेंगे ही नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली साउथ कोरिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है साउथ कोरिया का भी रिस्पॉन्स ऑब्वियसली हैज बीन लेड बाय अ मिलिटरी रिस्पॉन्स नाउ आउट एंड आउट वी सी दैट हाउ रियलिज्म इज बैक इन वोग विथ सेल्फ हेल्प बिकमिंग द की वर्ड्स तो शशांक मट्टू हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से साउथ कोरिया की मिलिट्री स्पेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंटली साउथ कोरिया ने खुद भी लॉन्च की है एक सबमरीन लॉन्च्ड बिलिस्टिक मिसाइल जो कि इसको पहली कंट्री बना देती है जिनके पास नॉन न्यूक्लियर केपेबिलिटीज है टू अक्वायर सच अस कोरिया इस पार्टी टू एनपीटी बट इनके पास इस कैपेबिलिटी आ गई है दैट व्हेन रिक्वायर्ड वो इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अ सबमरीन भी लॉन्च कर सकते हैं साथ ही साथ में साउथ कोरिया ने अंडरटेक किया है एक मेजर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट टू बेसिकली काउंटर नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रू व्हाट इट इज कॉलिंग द थ्री सिस्टम अब ये 3K सिस्टम क्या है सबसे पहला इज द प्रीएमप्टिव

देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज द कोरिया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी भी तरह का अटैक पॉसिबल हो पाता है बाई नॉर्थ कोरिया इनके पास एयर एंड डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू इस इन एंट्री व्हीकल्स को इन एंट्री मिसाइल्स को रोका जा सके लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज द कोरिया मैसिव पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन सिस्टम जहां पे ये कहते हैं कि अगर एक बार नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया वी विल नॉट स्टे शट इन फैक्ट जो रिटेलिएशन होगी मैसिव होगी एंड ऑल राउंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ कोरिया के लिए जो है डिजाइन की जाएगी नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट हम हाईलाइट कर सकते हैं हमने सिक्योरिटी डिलेमा की बात की है बट यहाँ पे शशांक मट्टू हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से विद इंक्रीज वेपनाइजेशन इन नॉर्थ एंड इंक्रीज वेपनाइजेशन इवन इन द साउथ वॉट इज हैपनिंग इज दैट बोथ द कोरियन कंट्रीज आर नाउ इंगेज इन वॉट इज कॉल्ड अ मेक्सिकन स्टैंड ऑफ Mexican होता क्या है? Basically, एक एक confrontation है एक ऐसी पे कोई strategy नहीं करती जिसके साउथ कोरिया भी यूजलेसली स्पेंड करी जा रहा है न्यूक्लियर वेपन अप करी जा रहे हैं दोनों को थ्रेट है कोई भी अगर कोरिया वेपन फायर करता है दोनों इतनी छोटी कंट्रीज है दोनों की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पक्का ही होगी कोई भी पार्टी अगर इनिशिएट करेगी अग्रेशन खुद का डिमाइज भी होगा है ना वो तो साउथ कोरिया ने बोल ही दिया कि अगर आपने फायर किया कोई न्यूक्लियर वेपन हम मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट इनहाइलेशन आपकी भी इंश्योर करके रहेंगे देन एट द सेम टाइम हाउ वर्क क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट्स है इस तरह की पॉलिटिक्स है इस तरह के इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि नन ऑफ द पार्टीज आर एबल टू एक्सट्रिकेट समथिंग अपने आप को वो उतार नहीं सकते अपने आप को जो है वो हटा नहीं सकते हैं इस सिचुएशन से विदाउट सफरिंग अ लॉस राइट सो इधर नॉर्थ कोरिया विल हैव टू शट डाउन इट्स इंटायर प्रोग्राम इधर इट विल हैव टू फेस इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लॉसेस एंड ऑफ लॉस ऑफ फेस या फिर साउथ कोरिया को सिक्योरिटी सेफ्टी इन सब के अंदर मैसेव लॉसेस फेस करने पड़ेंगे जिसके कारण क्या होती है एक कंटिन्यूस स्ट्रैटेजिक टेंशन एंड बिल्डअप चलती रहती है बिटवीन बोथ द कंट्रीज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ एन इनसिक्योरिटी डिलेमा इनफैक्ट अगर हम बात करें वियतनाम वॉर की वियतनाम के अंदर कितना क्राइसिस था जहां पे यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था यूएसए सपोर्ट कर रहा था एंड एक ऐसी पॉइंट uh, uh, आ गया था जहां पे यूएसए अपने आप को अपने आप को इजीली निकाल नहीं पा रहा था इनफैक्ट अ मोर रीसेंट एग्जांपल कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अफगानिस्तान जहां पे ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ फेस करना पड़ गया था यूएसए को टिल द टाइम यूएसए रियलाइज दैट यस मुझे अपना जो है लॉस करना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू पुल माय सेल्फ आउट क्योंकि आपके जब से अफ़गानिस्तान वो, वो एंटर करे थे 2001 से लेकर नियरली 2020 तक एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ ही चलता रहा था यूएसए और अफ़गानिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के बीच में तो यही मैक्सिकन स्टैंड ऑफ नाउ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोरियन एज वेल नाउ पेनसिलाट कैन बी द वे फॉरवर्ड वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो शशांक मट्टू कहते हैं कि यहां पे यूएसए को ऑब्वियसली एक मोर एक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लार्ज यूनिफॉर्म पीस ट्रीटी आप छोटे छोटे अग्रीमेंट से शुरुआत कीजिए राइट पहले न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर आसनल है नॉर्थ कोरिया का उसको कैप करने की कोशिश कीजिए फिर फर्दर टेस्टिंग के ऊपर बैन कीजिए फिर फर्दर की जो है उनको इंसेंटिव या कुछ चीजें दी ताकि वो और ज्यादा जो है उनके साथ एंगेज करे तभी जो है वो इस इम्पॉसिबल स्टेट को इन कंट्रोल ला पाएंगे वरना ये एक सुइसाइड बॉम्बर जैसा स्टेट है जो तो खुद तो डूबेगा ही साथ ही में बाकियों को भी ले डूबेगा

Engagement also becomes very important. One of the reasons why North Korea has been able to survive despite these trade and economic sanctions has been due to the back channel support of.

बिजनेस कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ बिकॉज जब यहां पे बिजनेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विल ड्राई अप दैट इज व्हेन नॉर्थ कोरिया विल बी कंप्लीटली रडरलेस और उसको गिव इन करना ही पड़ेगा इन टू ऑल दीज वास्ट इविल डिजाइन विद रिगार्ड टू न्यूक्लियराइजेशन जो कि वो प्लान कर रहा है राइट सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा साथ ही में कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेज एंड डोंट फिगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल